हाँ फ्रेंड, देखिए मैंने अंडा फ्राई कर लिया है, और ये देखिए मिर्ची काट लिया है, धनिया काट लिया है, कड़ी पत्ता है, टमाटर है, और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। कढ़ाई में तेल ले लिया है, अभी मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग देखें समय, पहले मैं जीरा डालूँगा, तेज पत्ता डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, कांदा डाल दिया ये मैंने, और जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया इसमें, और मैं इसको अभी फ्राई कर रहा हूँ हल्की आँच में। इसको उतारें, अच्छा कांदा पकना चाहिए। आप लोग देखें वीडियो, देखिए कितना अच्छे से इसको ब्राउन करना है, पकता रहे। ये देखिए फ्रेंड, इसमें नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, और ब्राउन हो रहा है अपना कांदा। ब्राउन होने के बाद इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर डाल दिया इसके अंदर, और लहसुन अदरक पेस्ट मिक्स कर दिया इसके अंदर। अभी थोड़ी देर इसको पकने देंगे, कांदा ब्राउन होने लगा है। इसमें कांदा मसाला है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, नमक है, और इसमें जीरा पाउडर है, और गरम मसाला है, और इसमें चिकन मसाला है, मच्छी मसाला है इसके अंदर, ये और ये मटन मसाला डाला इसके अंदर। सभी मक्स मसाले हो गए हैं, अभी इसको गीला करके डालेंगे उसके अंदर। इसके अंदर मसाला डाल दिया है, ये देखिए अभी मसाला पकेगा बढ़िया से, ग्रेवी भी हो जाएगा, और अपना इसके बाद डालेंगे अंडा। ये देखें आप लोग, पक रहा है। चटपटा बन रहा है एकदम। ये देखिए इसके अंदर कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अभी डालने जा रहा हूँ अंडे, मसाला पक गया है 5 मिनट में। अभी पकाएं और 5 मिनट तक, उसके बाद अपना बंद कर दें। जिसको पानी बढ़ाना है, तल्लीदार खाना है, वो तल्लीदार, नहीं तो ये ग्रेवीदार बना हुआ है, चटपटा एकदम स्पाइसी। देखिए फ्रेंड, बन के रेडी हो गया है अंडे की ग्रेवी, और ग्रेवीदार अंडे चटपटे। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ धनिया, आप लोग देखें, और आप लोग भी घर पर बनाएं और बताएं जैसा कमेंट में मुझे। देखिए अभी मैं बंद करने जा रहा हूँ, ये देखिए मैंने बंद कर दिया है। देखिए ग्रेवी टाइप बन गया, घर पे बनाओ। ये देखिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।